स्वागत है आपका चैनल फिल्मी मेमोरीज में। आज के वीडियो में फेमस इंडियन एक्ट्रेस माला सिन्हा जी के एक्टिंग करियर के बारे में जानेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल का वीडियो पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। व्यूवर्स, इनकी एक्टिंग की टॉप मूवीज रही हैं हिमालय की गोद में, सुपर हिट मूवी साबित हुई, आंखें इनकी ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हुई। व्यूवर्स, इनकी डेब्यू हैमलेट, इसमें माला सिन्हा, किशोर साहू, प्रदीप कुमार लीड रोल में देखने को मिले। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस ब्लो एवरेज करार दिया गया। अगली मूवी इसी साल में आई थी बादशाह। इस मूवी में प्रदीप कुमार, माला सिन्हा, उषा किरण थे। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। अगली मूवी 1955 में आई थी एकादशी। इसमें रतन कुमार, माला सिन्हा लीड रोल में थे। ये मूवी बॉक्स ऑफिस एवरेज रही। अगली मूवी 1956 में आई थी जलदीप। इसमें माला सिन्हा, जैब रहमान, अचला सचदेव देखने को मिले। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दिया गया। अगली मूवी 1956 में आई थी पैसा ही पैसा। इसमें माला सिन्हा, किशोर कुमार, शकीला देखने को मिले। ये मूवी ब्लो एवरेज रही। अगली मूवी 1956 में आई थी एक शोला। इसमें प्रदीप कुमार, माला सिन्हा, शोभा खोटे देखने को मिले। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर एवरेज करार दिया गया। अगली मूवी इसी साल में आई थी रंगीन रातें। इसमें माला सिन्हा, शम्मी कपूर, गीता बाली देखने को मिले। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर एवरेज करार दिया गया। अगली मूवी 1957 में आई थी प्यासा। इसमें गुरुदत्त, माला सिन्हा, वहीदा रहमान लीड रोल में थे। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट करार दिया गया। अगली मूवी आई थी इसी साल में फैशन। इसमें माला सिन्हा, मनोज कुमार, प्रदीप कुमार देखने को मिले। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर हिट करार दिया गया। अगली मूवी इसी साल में आई थी नया जमाना। इसमें गुरुदत्त, माला सिन्हा लीड रोल में थे। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर एवरेज करार दिया गया। अगली मूवी इसी साल में आई थी लाल बत्ती। इसमें माला सिन्हा, बलराज सानी, शशिकला लीड रोल में थे। इस मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। अगली मूवी इसी साल में आई थी अपराधी कौन। इसमें माला सिन्हा, अभि भट्टाचार्य लीड रोल में थे। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर ब्लो एवरेज करार दिया गया। अगली मूवी इसी साल में आई थी नौशहरमान ए दिल। इसमें माला सिन्हा, राजकुमार, सोहराब मोदी थे। ये मूवी एवरेज रही। अगली मूवी इसी साल में आई थी एक गांव की कहानी। इस मूवी में माला सिन्हा, ललिता पवार लीड रोल में देखने को मिले। अगली मूवी आई थी 1958 में डिटेक्टिव। इसमें प्रदीप कुमार, माला सिन्हा, जॉनी वाकर लीड रोल में थे। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस एवरेज करार दिया गया। अगली मूवी इसी साल में आई थी चंदन। इसमें माला सिन्हा, किशोर कुमार, नूतन लीड रोल में थे। ये मूवी ब्लो एवरेज रही। अगली मूवी 1958 में आई थी फिर सुबह होगी। इसमें राज कपूर, माला सिन्हा, रहमान थे। ये मूवी हिट रही। अगली मूवी आई थी इसी साल में परवरिश। इसमें राज कपूर, माला सिन्हा, महमूद लीड रोल में थे। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। अगली मूवी आई थी इसी साल में देवर भाभी। इसमें माला सिन्हा, राजेंद्र कुमार, बलराज सानी लीड रोल में थे। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर ब्लो एवरेज करार दिया गया। अगली मूवी 1959 में आई थी उजाला। इसमें राजकुमार, माला सिन्हा लीड रोल में देखने को मिले। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दिया गया। अगली मूवी इसी साल में आई थी जालसाज। इसमें माला सिन्हा, किशोर कुमार, प्राण थे। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही। अगली मूवी 1959 में आई थी दुनिया न माने। इसमें माला सिन्हा, प्रदीप कुमार लीड रोल में थे। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। अगली मूवी आई थी इसी साल में मैं नशे में हूँ। इसमें राज कपूर, माला सिन्हा, हेलन लीड रोल में थे। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दिया गया। अगली मूवी आई थी इसी साल में लव मैरिज। इसमें देवानंद, माला सिन्हा लीड रोल में देखने को मिले। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर एवरेज करार दिया गया। अगली मूवी इसी साल में आई थी धूल का फूल। इसमें राजेंद्र कुमार, माला सिन्हा, अशोक कुमार लीड रोल में थे। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। अगली 1960 में आई थी मिट्टी में सोना। इसमें प्रदीप कुमार, माला सिन्हा लीड रोल में देखने को मिले। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस ब्लो एवरेज करार दिया गया। अगली मूवी इसी साल में आई थी बेवकूफ। इसमें माला सिन्हा, किशोर कुमार देखने को मिले। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट साबित हुई। अगली मूवी इसी साल में आई थी पतंग। इसमें माला सिन्हा, राजेंद्र कुमार, अचला सचदेव लीड रोल में थे। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। अगली मूवी 1961 में आई थी धर्मपुत्र। इसमें शशि कपूर, माला सिन्हा और रहमान लीड रोल में थे। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट साबित हुई। अगली मूवी इसी साल में आई थी माया। इस मूवी में देवानंद, माला सिन्हा लीड रोल में देखने को मिले। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर हिट करार दिया गया। अगली मूवी इसी साल में आई थी सुहाग सिंदूर। इसमें मनोज कुमार, माला सिन्हा, शोभा खोटे लीड रोल में थे। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस एवरेज करार दिया गया। अगली मूवी 1962 में आई थी दिल तेरा दीवाना। इसमें शम्मी कपूर, माला सिन्हा, महमूद लीड रोल में थे। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। अगली मूवी इसी साल में आई थी 11,000 लड़कियां। इसमें माला सिन्हा, भरत भूषण, हेलन लीड रोल में थे। ये मूवी ब्लो एवरेज रही। अगली मूवी इसी साल में आई थी आंख मिचौली। इसमें माला सिन्हा, शेखर और जीवन लीड रोल में थे। इस मूवी को फ्लॉप करार दिया गया। अगली मूवी इसी साल में आई थी बॉम्बे का चोर। इस मूवी में किशोर कुमार और माना सिन्हा लीड रोल में थे। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। अगली मूवी इसी साल में आई थी अनपढ़। इसमें धर्मेंद्र, माला सिन्हा, बलराज सहनी थे। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रही। अगली मूवी इसी साल में आई थी हरियाली और रास्ता। इसमें मनोज कुमार, माला सिन्हा लीड रोल में थे। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। अगली मूवी इसी साल में आई थी गहरा दाव। इसमें राजेंद्र कुमार, माला सिन्हा, ललिता पवार थे।
ये मूवी बॉक्स ऑफिस से भी हिट रही। अगली मूवी इसी साल में आई थी बहुरानी, इसमें गुरदत्त माला सिन्हा लीड रोल में थे। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दिया गया। अगली मूवी 1963 में आई थी गुमराह, इसमें माला सिन्हा, सुनील दत्त, अशोक कुमार थे। ये मूवी हिट रही। अगली मूवी इसी साल में आई थी फूल बने अंगारे, इसमें माला सिन्हा, राजकुमार, जॉनी वॉकर थे। ये मूवी बॉक्स ऑफिस एवरेज रही। अगली मूवी 1964 में आई थी पूजा के फूल, इसमें धर्मेंद्र, माला सिन्हा, अशोक कुमार लीड रोल में थे। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही। अगली मूवी आई थी सुहागन, इसमें माला सिन्हा, गुरदत्त, फिरोज खान लीड रोल में थे। ये मूवी बॉक्स ऑफिस एवरेज रही। अगली मूवी 1964 में आई थी अपने हुए पराये, इसमें राजकुमार, माला सिन्हा लीड रोल में थे। ये मूवी एवरेज रही। अगली मूवी इसी साल में थी जहां आरा, इसमें माला सिन्हा, भारत भूषण, पृथ्वीराज कपूर थे। ये मूवी ब्लो एवरेज रही। अगली मूवी इसी साल में आई थी मैं सुहागन, इसमें माला सिन्हा, अजीत, नाजिर हुसैन थे। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। अगली मूवी 1965 में आई थी बहू बेटी, इसमें माला सिन्हा, जॉय मुखर्जी लीड रोल में थे। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस एवरेज करार दिया गया। अगली मूवी इसी साल में आई थी नीला आकाश, इसमें धर्मेंद्र, माला सिन्हा, शशिकला लीड रोल में थे। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस एवरेज करा दिया गया। अगली मूवी 1965 में आई थी हिमालय की गोद में, इसमें मनोज कुमार, माला सिन्हा लीड रोल में थे। ये मूवी बॉक्स ऑफिस हिट रही। अगली मूवी 1966 में आई थी बहारें फिर भी आएंगी, इसमें माला सिन्हा, धर्मेंद्र और तनुजा लीड रोल में थे। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस एवरेज करार दिया गया। अगली मूवी इसी साल में आई थी मेरे लाल, इसमें माला सिन्हा, देव कुमार, इंद्राणी मुखर्जी थे। ये मूवी ब्लो एवरेज रही। अगली मूवी इसी साल में आई थी दिल लगी, इसमें माला सिन्हा, संजय खान लीड रोल में थे। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस एवरेज करार दिया गया। अगली मूवी इसी साल में आई थी आसरा, इसमें माला सिन्हा, विश्वजीत, बलराज साहनी लीड रोल में थे। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस फ्लॉप करार दिया गया। अगली 1967 में आई थी जब याद किसी की आती है, इसमें माला सिन्हा, धर्मेंद्र, अभय भट्टाचार्य लीड रोल में थे। ये मूवी एवरेज रही। 1967 में आई थी जाल, इसमें माला सिन्हा, विश्वजीत, निरूपा राय, जॉनी वॉकर, आशीष सेन स्टार कास्ट में थे। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट गया। अगली 1967 में आई थी 19 लंडन, इसमें माला सिन्हा, विश्वजीत थे। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। अगली 1967 में आई थी नई रोशनी, इसमें माला सिन्हा, राजकुमार, अशोक कुमार, तनुजा थे। ये मूवी एवरेज रही। अगली 1968 में आई थी आंखें, इसमें धर्मेंद्र, माला सिन्हा, महमूद, ललिता पवार, मदनपुरी और जीवन लीड रोल में देखने को मिले। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर करार दिया गया। अगली मूवी आई थी 1968 में दो कलियां, इसमें माला सिन्हा, विश्वजीत, महमूद लीड रोल में थे। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। अगली मूवी आई थी इसी साल में हमसाया, इसमें माला सिन्हा, जॉय मुखर्जी, मदनपुरी थे। ये मूवी फ्लॉप रही। अगली मूवी आई थी इसी साल में मेरे हुजूर, इसमें माला सिन्हा, राजकुमार और जितेंद्र लीड रोल में थे। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट रही। अगली 1969 में आई थी तमन्ना, इसमें माला सिन्हा, विश्वजीत, देवन वर्मा लीड रोल में थे। ये मूवी ब्लो एवरेज रही। अगली मूवी आई थी इसी साल में प्यार का सपना, इसमें माला सिन्हा, विश्वजीत, अशोक कुमार थे। ये मूवी अब एवरेज रही। अगली मूवी 1969 में आई थी पैसा या प्यार, इसमें माला सिन्हा, विश्वजीत, अशोक कुमार थे। ये मूवी एवरेज साबित हुई। अगली मूवी इसी साल में आई थी दो भाई, इसमें जितेंद्र, माला सिन्हा, अशोक कुमार थे। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही। अगली मूवी 1970 में आई थी गीत, इसमें राजेंद्र कुमार, माला सिन्हा, कुमकुम लीड रोल में थे। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर एवरेज करार दिया गया। अगली मूवी आई थी इसी साल में होली आई रे, इसमें माला सिन्हा, बलराज साहनी, शत्रुघ्न सिन्हा थे। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। अगली मूवी आई थी इसी साल में कंगन, इसमें माला सिन्हा, संजीव कुमार लीड रोल में थे। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर हिट करार दिया गया। अगली मूवी आई थी 1971 में चाहत, इसमें माला सिन्हा, जितेंद्र, मुमताज लीड रोल में थे। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। अगली मूवी इसी साल में आई थी मर्यादा, इसमें माला सिन्हा, राजेश खन्ना, राजकुमार पांड थे। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। अगली मूवी इसी साल में आई थी संजोग, इसमें माला सिन्हा, अमिताभ बच्चन, अरुणा ईरानी लीड रोल में थे। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। अगली मूवी 1972 में आई थी ललकार, इसमें धर्मेंद्र, माला सिन्हा, राजेंद्र कुमार थे। ये मूवी बॉक्स ऑफिस से हिट रही। अगली मूवी इसी साल में आई थी रिवाज, इसमें माला सिन्हा, संजीव कुमार लीड रोल में थे। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट करार दिया गया। अगली मूवी 1973 में आई थी कहानी हम सबकी, इसमें माला सिन्हा, ओम प्रकाश, रूपेश कुमार थे। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। अगली मूवी 1973 में आई थी रिक्शा वाला, इसमें माला सिन्हा, रणधीर कपूर, नीतू सिंह थे। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। अगली मूवी 1974 में आई थी फिर कब मिलोगी, इसमें माला सिन्हा, विश्वजीत, दिलीप कुमार लीड रोल में थे। ये मूवी बॉक्स ऑफिस डिजास्टर रही। अगली 1974 में आई थी 36 घंटे, इसमें माला सिन्हा, सुनील दत्त, राजकुमार थे। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। अगली मूवी इसी साल में थी कोरा बदन, इसमें माला सिन्हा जी ने स्पेशल अपियरेंस दिए थे। अगली मूवी आई थी इसी साल में अर्चना, इसमें माला सिन्हा, संजीव कुमार, ओम प्रकाश लीड रोल में थे। ये मूवी बॉक्स ऑफिस ब्लो एवरेज रही। अगली 1975 में आई थी सुनहरा संसार, इसमें माला सिन्हा, हेमा मालिनी, राजेंद्र कुमार लीड रोल में थे। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही।
1976 में मूवी आई थी मजदूर जिंदाबाद। इसमें माला सिन्हा, राजेंद्र कुमार, रणधीर कपूर लीड कास्ट में थे। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दिया गया। अगली मूवी आई थी इसी साल में जिंदगी। इसमें माला सिन्हा, विनोद मेहरा, संजीव कुमार, मौसमी चटर्जी थे। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर एवरेज करार दिया गया। अगली मूवी इसी साल में आई थी दो लड़कियां। इसमें माला सिन्हा, संजीव कुमार, महमूद थे। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एवरेज साबित हुई। अगली मूवी 1977 में आई थी प्रायश्चित। इसमें माला सिन्हा, अशोक कुमार, नंदा लीड कास्ट में देखने को मिले। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर ब्लो एवरेज करार दिया गया। अगली मूवी आई थी 1978 में सोने का दिल लोहे के हाथ। इसमें माला सिन्हा, राजेंद्र कुमार, विद्या सिन्हा, दारा सिंह थे। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दिया गया। अगली मूवी आई थी इसी साल में कर्मयोगी। इसमें माला सिन्हा, जितेंद्र, राजकुमार लीड कास्ट में देखने को मिले। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट करार दिया गया। अगली 1980 में आई थी धन दौलत। इसमें माला सिन्हा, राजेंद्र कुमार, ऋषि कपूर, नीतू सिंह लीड कास्ट में देखने को मिले। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दिया गया। अगली मूवी आई थी इसी साल में बेरहम। इसमें माला सिन्हा, संजीव कुमार, शत्रुघ्न सिन्हा, रीना राय लीड कास्ट में थे। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एवरेज साबित हुई। अगली मूवी आई थी 1981 में नसीब। इस मूवी में माला सिन्हा जी ने गेस्ट अपीयरेंस दिए थे। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही थी। अगली 1981 में आई थी हरजाई। इस मूवी में माला सिन्हा, शम्मी कपूर, रणधीर कपूर, टीना मुनीम थे। ये मूवी बॉक्स ऑफिस फ्लॉप रही। अगली 1981 में आई थी ये रिश्ता न टूटे। इसमें राजेंद्र कुमार, माला सिन्हा, राज बब्बर लीड कास्ट में थे। ये मूवी बॉक्स ऑफिस फ्लॉप रही। अगली मूवी आई थी 1982 में नेक परवीन। इसमें माला सिन्हा, सतीश कौल, भावना भट्ट थे। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर ब्लो एवरेज साबित हुई। अगली मूवी आई थी 1984 में आसमान। इसमें राजीव कपूर, टीना मुनीम, माला सिन्हा, दिव्या राणा लीड कास्ट में देखने को मिले। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दिया गया। अगली मूवी आई थी 1985 में बाबू। इसमें राजेश खन्ना, माला सिन्हा, रति अग्निहोत्री, हेमा मालिनी लीड कास्ट में थे। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर हिट करार दिया गया। अगली मूवी आई थी 1987 में दिल तुझको दिया। इसमें कुमार गौर, रति अग्निहोत्री, माला सिन्हा, परीक्षित साहनी लीड कास्ट में थे। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। अगली मूवी आई थी 1992 में खेल। इस मूवी में अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित, माला सिन्हा, सोनू वालिया, अनुपम खेर थे। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। अगली मूवी आई थी इसी साल में राधा का संगम। इसमें गोविंदा, जूही चावला, माला सिन्हा, कीर्ति कुमार थे। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एवरेज साबित हुई। अगली मूवी आई थी 1994 में जिद। इसमें जय मेहता, रागेश्वरी, माला सिन्हा, राजीव वर्मा लीड कास्ट में थे। ये मूवी बदकिस्मत बॉक्स ऑफिस फ्लॉप रही। ये और यही इनकी आखिरी मूवी साबित हुई, क्योंकि इसके बाद इनकी कोई मूवी नहीं आई। तो व्यूवर्स, ये फेमस इंडियन एक्ट्रेस माला सिन्हा जी की एक्टिंग में बनने वाली मूवीज़ का बॉक्स ऑफिस एनालिसिस था। इनकी एक्टिंग बनने वाली मूवीज़ में से कौन सी मूवी आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, कौन सी मूवी आपकी फेवरेट मूवी रही, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और किस एक्टर या एक्ट्रेस या प्रोड्यूसर, डायरेक्टर या फिर किस प्रकार का वीडियो आप देखना चाहते हैं, इसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर